सिद्धार्थ नगर राप्ती नदी में मिला अज्ञात महिला का शव, हत्या की आशंका। महिला का शव देख ग्रामीणों में दहशत। प्रधान प्रतिनिधि ने दी थाने में सूचना। महिला का दोनों पैर और गला बंधा। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुटी। पुलिस क्षेत्राधिकारी देवी गुलाम सिंह ने लिया मौके जायजा। बांसी कोतवाली के गुलहरिया लाला के पास राप्ती नदी में मिला अज्ञात महिला का शव। बांसी कोतवाली के गुलहरिया लाला गांव के पास राप्ती नदी में एक अज्ञात महिला का शव मिला है, क्या है पूरा मामला? बांसी पुलिस को सूचना मिली कि गुलहरिया लाला के पास राप्ती नदी में एक शव मिलने की सूचना। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मर्चरी भेजा गया है। चूँकि अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, सूचना हर जगह कराई गई है कि जल्दी से शिनाख्त हो सके। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो, जो एक शव मिला है राप्ती नदी में, क्या है पूरा मामला? राम सजन यादव, ग्राम पंचायत बगावा कोमर। हमें सुबह ग्रामीणों से सूचना मिली, इसकी सूचना हमने तत्काल कोतवाली में दिया और कोतवाली वाले यहाँ पे आए और इसका जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या हुआ है, इसका पैर बांधा हुआ है और इसके पैर में पायल है और कान में कुछ है। शव का शिनाख्त हुआ या नहीं? नहीं हुआ, नहीं है, पीएम के लिए भेज दिया यहाँ से। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा, बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी, नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता, रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। थाना रामपुर मनिहारन के SSI कपिल देव अपनी पुलिस टीम के साथ कल रात लगभग 8 बजे ग्राम मलहीपुर रोड पर चेकिंग पर थे। ये अचानक चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि ग्राम मलहीपुर के मोहल्ला कुरेशियान निवासी खुशनुद के यहाँ गौकशी का धंधा जोरों शोरों पर चल रहा है। पुलिस टीम ने भी मोर्चा संभालते हुए खुशनुद के यहाँ जब छापेमारी की तो वहाँ का नज़ारा देखते ही पुलिस टीम के भी होश फाकता हो गए। पुलिस टीम ने मौके से 4 बदमाशों, खुशनुद पुत्र खुर्शीद, शमशेर पुत्र खुर्शीद, आशु पुत्र ताहिर, तीनों ही निवासी मोहल्ला कुशेरियान, तथा साजिद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम चुनहेटी गाड़ा को 15 किलो गौमांस के उपकरण, एक प्लास्टिक के बोरे में कुल्हाड़ी, 2 छुरी, 1 लकड़ी का टुकड़ा, 2 प्लास्टिक की बोरी एवं रस्सी मिली तथा एक बाइक, 1 देसी तमंचा तथा कारतूस बरामद किए। इन गौकशों को गिरफ्तार करने वाली टीम में SSI कपिल देव, सब इंस्पेक्टर विकास चारण, महेश गुप्ता, कांस्टेबल दुर्गेश, अंकित एवं पवन शामिल रहे, जिसका खुलासा आज SP सिटी राजेश कुमार सिंह द्वारा पत्रकारों को दी गई। थाना रामपुर के फतेहपुर गुजर में कल एक खेत में एक रजवाहा है, वहाँ पे कुछ गोवंश के अवशेष मिले थे और वहाँ पे गोकशी की गई थी। इस संबंध में टीमें बनाई गई और तत्काल इसका पर्दाफाश किया गया और इसमें जो भी शामिल थे, 4 जिन्होंने ये घटना की थी, उनकी गिरफ्तारी की गई है। बड़ी तत्परता से उनकी गिरफ्तारी की गई है, उन पे पूरी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अब हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि और इसमें कौन कौन शामिल रहता है, क्योंकि 1-2 घटनाएं पहले भी हुई है, उनका भी हम पता कर रहे हैं। एक विशेष ड्राइव चला रहे हैं गोकशों के विरुद्ध, जो पुराने 10 साल के इस तरह के अपराधों में लिप्त रहे हैं, उनके भी हम वर्तमान स्थिति का सत्यापन कर रहे हैं कि वो इस तरह का अपराध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो लगातार ये हमारा अभियान चल रहा है और पूर्ण रूप से अंकुश हम इसमें जो गोकशी है उसमें स्थापित करेंगे। 4 अपराधी जो पकड़े गए पूर्व में भी लिप्त रहे हैं इस तरह के अपराधों में, और ये रामपुर के मल्लीपुर और चुनहटी के रहने वाले हैं। और कल की घटना भी इन्होंने अपना बताया है, इन्होंने की थी और उसी में इनकी गिरफ्तारी हुई है। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा, बेहतर स्वास्थ्य का। पता, माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत।
जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। फरुखाबाद में समुदाय विशेष के दबंग ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर किया हमला। गणेश मूर्ति विसर्जन यात्रा में समुदाय विशेष के दबंगों पर बजरंग दल संयोजक समेत कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता घटना से हुए आक्रोशित। कोतवाली कायमगंज के बाहर हिंदूवादी संगठनों ने जाम लगाने का किया प्रयास। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल आरोपियों पर दर्ज किया मुकदमा। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात। कायमगंज विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार भी पहुंची कोतवाली कायमगंज। कोतवाली में हिंदूवादी संगठनों का लगा जमावड़ा। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बुलंदशहर के अनूपशहर क्षेत्र के गांव सिरोरा में मिट्टी खोद रही किशोरी व एक महिला के ऊपर 10 फीट ऊंची भरभरा कर ढांग गिर गई। घटना में किशोरी संजना की मौत हो गई। घायल माया देवी का सीएचसी में उपचार चल रहा है। पुलिस ने संजना की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुक्रवार की शाम क्षेत्र के गाँव सिरोरा में गाँव की चार महिलाएं माया, चंद्रवती, दुलारी, अनीता व 14 किशोरी संजना अंजलि गांव के निकट एक खेत में मिट्टी लेने पहुंची। चार महिलाएं बाहर खड़ी रहीं जबकि अंजलि माया मिट्टी खोदने लगी। कुछ ही देर में 10 फीट ऊंची ढांग भर भरा कर दोनों के ऊपर गिर गई। बाहर खड़ी महिलाओं में अफरा तफरी मच गई। महिलाओं द्वारा शोर मचाने पर निकट खेतों में कार्य कर रहे किसानों ने मिट्टी हटाकर माया को निकाल लिया, किंतु संजना काफी नीचे दब गई थी। उसे निकालने में देरी हो गई। दोनों घायलों को निकालकर अनूपशहर सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सकों ने संजना पुत्री गोविंद सिंह को मृत घोषित कर दिया जबकि घायल माया देवी पत्नी विजय सिंह का उपचार किया जा रहा है। सूचना पाकर घटना का निरीक्षण करने के बाद सीएचसी पहुंचे एसडीएम बी के गुप्ता व तहसीलदार बालेंदु भूषण वर्मा ने चिकित्सकों से घायल का हालचाल पूछने के बाद पीड़ित परिवार को शासन से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। पुलिस ने संजना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चाची संग ने? चाची हैं ते संग? आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। बुलंदशहर में सीएमएस के निरीक्षणों के बाद भी नहीं सुधर रहे सरकारी अस्पतालों के हालात। बुलंदशहर में कैमरे में कैद हुई स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था और लापरवाही की तस्वीर। इमरजेंसी वार्ड से मरीज को
कंधे पर ले जाते देखे पीड़ित मरीज के तीमारदार। अस्पताल के डॉक्टरों पर सड़क हादसे में घायल युवक का इलाज न करने का भी आरोप। घायल अवस्था में मरीज को प्राइवेट अस्पताल ले जाने को मजबूर हुए तीमारदार। बुलंदशहर के खुर्जा CHC के इमरजेंसी वार्ड से मरीज को स्ट्रेचर पर मुहैया न कर पाया स्टाफ। कुमार कौन सा गांव है? हाजीपुर भटोला। ये क्या मामला, आप कहां ले जा रहे हैं? ये है, ये बाइक से आ रहे हैं कहीं, इनका कोई एक्सीडेंट हो गया उनका। अच्छा अच्छा, ये यहां पे लेके आए का जी, इन्होंने ड्रिंक कर रखी है। ठीक अच्छा। है जी, चलो हमने मान ली ड्रिंक कर रखी है, अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा इसको। कौन से अस्पताल में लाए थे? इसी में लाए थे, इसी अस्पताल में। अब कहाँ ले जा रहे हैं? अब कहाँ ले जा रहे हैं? अब हम ले जा रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में, जब यहाँ कोई सुनवाई ना हो रही है, ना कुछ देखभाल हो रही। डॉक्टरों ने नहीं देखा कुछ, किसी ने कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं दिया और वो मरीज जो डाउन होता चला जा रहा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, DJ साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी। अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।